कि मरने से पहले तेरा दीदार हो जाए। भाइयों बहनों, पिता राम जी राव इतना कहते कहते जब संसार को छोड़ के चले गए, बाबा साहब के मुंह से एकदम चीत्कार निकल गई, पिताजी ये क्या हो गया, क्या आपकी आज केवल हमारे आने तक ही सीमित थी, अब हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। भाइयों, पिता का जीवन में बड़ोतरी अमूल्य स्थान है। आज पिता राम जी राव का देहांत हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिम्मत को बांधा, लोगों ने समझाया कि भीमराव मन जब दुनिया का दस्तूर है, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, इसलिए बेटा धैर्य को धारण करो और आगे की तरफ निहार करके देखो। माताओं बहनों, पिता का साया बाबा साहब के सिर से उठ गया, 5 बरस के थे तो माँ मर गई थी, और आज पिता राम जी राव जब दुनिया को छोड़ के भाइयों चले गए, बहुत बड़ा अफसोस हुआ जीवन में, लेकिन आज अंतिम संस्कार किया और करने के बाद में क्या हुआ है, अंतिम क्रिया करी पिता की नाई हिम्मत हारी, और अंतिम क्रिया करी पिता की नाई हिम्मत हारी, आनंद राव को सौंप चले घर की जिम्मेदारी। और बड़े भैया आनंद राव को बुलाया, भैया घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, तुम बड़े हो, पिताजी तो अब रह रहे हैं, अंतिम क्रिया करी पिता की नाई हिम्मत हारी, आनंद राव को सौंप चले घर की जिम्मेदारी, पहुंची अमरीका सन 1916 में पीएचडी कर पाई, सन 1916 में पीएचडी कर पाई, और पढ़ने की इच्छा से और लिख कर चिट्ठी बढ़वाई है राजा जी से। इधर क्या हुआ भाइयों, इधर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा मेहनत के साथ में पढ़ रहे हैं, पीएचडी की डिग्री को भी हासिल कर लिया और पढ़ने की इच्छा है, तो बड़ौदा के राजा को कुछ चिट्ठी लिखी कि हमें थोड़े दिनों तक वजीफा और दे दो, हम जैसे ही लौट के बम्बई आएंगे तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हम अमरीका से लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। हुआ क्या, मन में घबराए और छोड़ी 5,000 किताबें लंदन को ढाए, युद्ध था भारत में जारी बड़े बीच जहाज जारी रे भीम ब्रह्मचारी। उसी समय किसी युद्ध चल रहा था, बमबारी हो रही थी, युद्ध का भारत में जारी, युद्ध था भारत में जारी, बैठे बीच जहाज जारी रे भीम ब्रह्मचारी, जितने जहाज सवार सभी का मगर कोई भेद नहीं जा रही, प्राण पंप वहां पैसे गिर जाओ,
जहाँ बैठे कई सरकार बम बाबा पैसे गिर जावे जब लगा किनारे इंडिया हाउस लाई बड़ी भी मदारू हाल सब सुखरा की बहुजन के भगवान भीम की है बारा माटी बाबा साहब अमेरिका से लड़ने के लिए चले और बड़ौदा के राजा से चिट्ठी लिख करके अपने छात्रवृत्ति वजीफा मरवाया कि अभी हम लंदन में जाकर के पढ़ना चाहता हूँ तो थोड़े दिनों तक हमारे सहयोग और करो। बड़ौदा के राजा ने जब छात्रवृत्ति भिजवाई तो बाबा साहब इधर जहाज में बैठ गए अमरीका से लंदन के लिए चले। उसी समय विश्व युद्ध चल रहा था तो अचानक जहाज के ऊपर बम गिर जाता है और अमेरिका में खबर फैल गई चारों तरफ कि अंबेडकर मर गए। जहाज में बाबा साहब की 5,000 किताबें रखी थी। बाबा साहब जब तक जहाज में माताओं बहनों भाइयों 5,000 किताबें रखी थी। बाबा साहब जब तक अमरीका में पढ़े तो 5,000 किताबें इकट्ठा कर जाएगा। वो इसलिए आनंद लाल कहता है कि अपने घर में 2 किताबें रखा करो अपने महापुरुषों को बुद्ध की कबीर की रविदास बाबा साहब की 2 किताबें रखो। एक बढ़िया किताब एक बढ़िया गुरु होती है तो ये किताबें तुम्हारी औलादें पढ़ेंगी ये महापुरुषों के बारे में जानेगी। बाबा साहब अंबेडकर किताबों के प्रेमी थे तब तो 5,000 किताबें इकट्ठा कर जाती अब 5,000 किताबें जहाज बुला दी तो जहाँ जहाज में 5,000 किताबें थी उसी के ऊपर गिर गया बम तो वो 5,000 किताबें जलकर गिराक हो गई और लोगों ने समझा कि अंबेडकर भी जलकर गिराक हो गए मगर कोई भेद नहीं जाने और जहाँ बैठे गले तक प्राण बम वहां कैसे गिर जावे लगा जब आए किनारे है वो इंडिया हाउस लाइब्रेरी भी बंद धारे हैं। बाबा साहब पीछे से दूसरे जहाज से बैठ के चले आए पर जहाज में गए नहीं और जाकर के लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी पुस्तकालय में पहुंच गए। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय लंदन में है जिसका नाम है इंडिया हाउस लाइब्रेरी जहां पर पूरी दुनिया का इतिहास है। तो आज भाइयों बहनों बाबा साहब अंबेडकर इधर लंदन में पढ़ रहे हैं और गोरे अंग्रेजों को पढ़ा रहे हैं पढ़ भी रहे हैं और जो गोरे अंग्रेजों को पढ़ा भी रहे बाबा नज अध्ययन कर करके हारे और माया भी उनकी देख चकित रहे सब लंदन वाले रौब जब बाबा को छायो और लंदन में चक चक मची देव कोई भारत से आया। आज लंदन के गोरे अंग्रेज ये कहते हैं कि भारत से कोई फरिश्ता मानो आया है अब अंग्रेजों से बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। वैसे अंग्रेजों के टक्कर में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है लेकिन जब अंबेडकर तो अंग्रेजों से बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। इधर सन 1921 जब लगा तो बड़ौदा के राजा की आंखें खुलने लगी। पूछो अनुराज बड़ौदा के राजा की आंखें कैसे खुलने लगी जो ऊंची जात के लोग बड़ौदा राज्य में थे वो बड़ौदा के राजा के कान फूंकने लगे कि तुम काफी दिन से अंबेडकर को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हो
इसको पैसा देना बंद करो। क्योंकि उन्हें चिंता थी कि निजी जाति पैदा हुआ अम्बेडकर कहीं हमारे लिए किसी दिन खोपड़ी का दर्द न बन जाए। तो बड़ौदा के राजा के कान इन्होंने फूंके और बाबा साहब की छात्रवृत्ति जो देते थे राजा बड़ौदा के उसको रोको।